हेलो, ये आदित्य एसोसिएट्स ऑफिस है, आप कौन? अरे कुमार, जानकी को दर्द शुरू हो चुका है, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर आना होगा। मैं भी आता हूँ। भाई, हाँ। जानकी अभी हॉस्पिटल में है। सच में? मुझे वहाँ डिलीवरी के लिए जाना होगा। हाँ। आपको मेरे लिए बॉस से बात करनी पड़ेगी। देखो कुमार, तुम बॉस को मुझसे बेहतर जानते हो, वो पहले से ही टेंशन में है। अगर तुम अभी उनके पास गए तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। क्या हो रहा है वहां पर? कॉफी लाकर दो जल्दी। हाँ सर, अभी लेकर आया। कल 31 मार्च है, क्लाइंट के दस्तावेज वक्त पर जमा हो जाने चाहिए। अगर पूरी रात भी लग जाए, काम पूरा होने के बाद ही जाना। मैडम, मेरे लिए कोई कॉल है क्या? कुमार, अकाउंट की फाइल लाया। बस एक मिनट दीजिए ना, अभी लाता हूं। भाई, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। वो ठीक ही होगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। बेटा कुमार, लड़का हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। यहाँ जल्दी आ जाओ, अपने बेटे को देख लो। साहब, खुशी की बात है, मेरे यहाँ बेटा हुआ है। ये लीजिए, मिठाई खाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मुझे सर बुलाना चाहिए। यह मेरा ऑफिस है, मैं यहां का बॉस हूं, तुम बस एक पियोन हो, अपने हाथ में रहो। कुत्ते भी पिल्लों को जन्म देते हैं, तुम जैसे भिखारियों के यहां बच्चे होना बस इस धरती का बोझ बढ़ाता है। तुम्हें इसकी कीमत पता है? सैकड़ों करोड़ों। तुम खुद बेकार हो, पर तुम्हें वारिस चाहिए। तुम्हारा बेटा क्या करेगा? क्या वो डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, या वो मेरी तरह एक ऑडिटर बन सकता है? तुम एक मामूली पियोन हो, तुम्हारा बेटा भी एक पियोन ही बनेगा। बेटा हुआ है बाय फुट। देखिए, अगर मैं गलती कर दूं तो मुझे डांटिए या मारिए, लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। पर आपने तो मेरे नवजात बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बातें की। एक बात याद रखिएगा, जब हम चलते हैं तो एक पैर हमेशा दूसरे से आगे रहता है, पर आगे वाले कदम को खुद पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और पीछे वाले कदम को पीछे रहने का दुख नहीं मनाना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी जगह को बदलने में एक मिनट भी नहीं लगता। मेरा बेटा आपसे भी बड़ा ऑडिटर बनेगा, आप बस देखिएगा। बेटा नहीं है, ये भविष्य में बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। करुणा
सुना दे मोरी से धड़कने पे वो क्यों? उसने हमें चॉकलेट्स दी, हमने फिर तालियां बजाई। अच्छा बताओ, तुम्हारी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आई? अगर सब फर्स्ट आए तो तालियां कौन बजाएगा? नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मैं जो कहूँ तुम्हें वो पढ़ना होगा, समझ गए? पापा। ए बेटा, कैसा जा रहा है कॉलेज का पहला दिन? सब ठीक है पापा। सुनो, वहाँ एक सीट मिलना बड़ी बात नहीं है, तुम्हें वहाँ पर टॉपर बनना होगा। पापा, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, बच्चों से प्लीज पहाड़ तो मत तोड़वाइए, है ना? ए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दौड़ो, रेंगो या भागो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम नंबर वन बनो। पापा, यहाँ पर सब इंग्लिश में बात करते हैं, उनकी बात समझ ही नहीं आती, मैं हिंदी मीडियम से हूँ ना। अरे मेरे नालायक बेटे, तुम्हें इंग्लिश आराम से आ जाएगी, मैं बताऊंगा तुम्हें। देखो, इंग्लिश बहुत आसान है, पिताजी बनेगा डैडी, और उसी तरह हेलो, मे आई कम इन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, और आजकल तो नया रिवाज निकला है व्हाट्सएप माई राउडी बॉयज एंड गर्ल्स, ये सब अच्छे से सीख लो, इंग्लिश आसानी से सीख जाओगे। ना 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 ना, सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं घर आकर बात करता हूँ। हाँ, अरे सुनो सुनो सुनो, एक और बात याद रखना, ऑल द बेस्ट है। पापा भी ना, सॉरी 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 सॉरी, ए सॉरी सर, क्या कहा तुमने? सॉरी सर, नहीं उससे पहले सॉरी बोला भाई। भाई तुम हिंदी मीडियम से हो ना? अरे बिल्कुल से पकड़ा, तुमको कैसे मालूम? सिर्फ एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ही सॉरी को सॉरी बोलेगा। अरे यार, तुमने बस एक सॉरी से हिंदी मीडियम स्टूडेंट को पहचान लिया, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सोच की यार। एट सो मेरे भाई, आजा गले लग जाए यार। क्लास में चलते हैं। अरे नहीं जाना मेरे को क्लास यार, मेरे कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी पिताजी खुश नहीं है, वो चाहते कि मैं टॉपर बनूं। अरे यार, मेरे पापा भी बिल्कुल यही कहते हैं, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पापा भी बिल्कुल सेम है। तुम्हें पापाओं के बारे में एक बात पता है, उनसे इंतजार ही नहीं होता कि कब मुर्गी अंडा दे, वो बड़ा हो और वो चिकन तंदूरी खाए। बिल्कुल सही कहा दोस्त, ये सब तो ठीक है, पर उनका क्या हाल है? किसका हाल? मेरा मतलब लड़कियाँ। ए बहुत शैतान है रे तू, चल आजा क्लास में चलते, चल चल आजा। लड़कियों के बारे में तुम एक बात जानते हो, लड़की चाहे कैसी भी हो लेकिन वो साला सबके लिए पहेली रहती है, लेकिन कॉलेज में तो सब अच्छी लगती है। हम लड़के सारी लड़कियों को ताड़ते हैं लेकिन साला पटती तो एक भी नहीं। साला रोज तैयार होके आओ, परफ्यूम लगा के आओ, 3 साल ऐसे ही निकल गए मेरे भाई। और जो वो देख, वो वाली तेरी, ग्रीन वाली मेरी? नहीं, ग्रीन वाली मेरी। ओके सर, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे, दो जवान लोग आपस में बात कर रहे हैं। पहला साल? हाँ बिल्कुल पहला साल। हाँ, तुम्हें ज्वाइन किए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से लड़कियाँ बांट रहे हो? हाँ सर, अगर ये बांटना किसी काम का होता तो हम काजल, रकुल और रजीना को बांट रहे होते सर। तो तुम्हें काजल रजीना चाहिए? ये सब पूछने वाले आप हैं कौन? शट अप। अगर मैंने तुम दोनों को दोबारा यहाँ पर देखा ना तो तुम गए, भागो यहाँ से। सॉरी सर। Good morning, madam. Very good morning. Please sit down. Myself, Bhavna, your accounts lecturer. Let's start our class with introduction. Okay, let's start from you. I'm Kishore Kumar, my dad into textile business. After completion my course, I will handle my father business. My dad is a bank manager. My father is an engineer. My father is a doctor. This is Vikram. I want to complete CA and look after my father's firm. Very good. My name is Shiva Kumar, ma'am. What's your father? Auditor. He's auditor, ma'am. Auditor. Next. और मैम, मेरा नाम अरुण है, मेरे पिताजी रेलवेज में काम करते हैं। ओके। तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए है। तुम्हारे लिए तो मैं कॉफी बना रही हूँ। ये क्या है? उसका ध्यान रखने का ये मतलब नहीं कि तुम मुझे भूल जाओ। तुम इस घर के मुख्य कमाने वाले का अपमान कर रही हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा बेटा भी जल्द ही एक ऑफिसर बनने वाला है, उसे कहेंगे कमाना। मे आई कम इन ऑफिसर? हाँ।
इंग्लिश। तुम्हारे पिता कहते हैं कि तुमसे बस इंग्लिश में ही बात किया करूं। बादाम मिल्क गुड। माँ, ये गुड्डू नहीं होता, गुड वहां रख दीजिए। अरे तुम्हें ये सारी किताबें पढ़नी है? अरे मैं तो ये सारी पढ़ चुका हूँ माँ। अरे ऐसा मत कहो बेटा, अभी तो तुम्हें बहुत किताबें पढ़नी है, तभी तो तुम फर्स्ट रैंक लाओगे। अच्छा माँ, सेकंड रैंक में क्या बुराई है? इतिहास हमेशा फर्स्ट आने वाले को ही याद रखता है, सेकंड आने वाले को नहीं। ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करो माँ। बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ ठीक है ठीक है। ची। अरे क्या देख रहे हो दोस्त? तेरी ए, ज़्यादा चढ़ी है क्या तेरे को? क्या बोला तू? अंधा है क्या? जानता मैं कौन हूँ, मुझे अंधा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा बैठ है, कहाँ से लिया? ये कॉलेज है और तुम किसी पे ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। सॉरी बोलो, चलो। साले फटीचर लोग, चल। जानते यार, बड़े बाप की औलाद है, घमंड से भरा हुआ है। बाद में देखते हैं, कहीं नहीं जाने वाला ये। हरामी है साला। मेरा जिम पूरा होने दो। ओए इसको बाहर निकालो। भाई ये लो पानी। बॉस क्यों वेस्ट कर रहा है? सिगरेट दे। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ईयर शिवा और मैं अरुण, हम आपके फैंस हैं सर। हाँ बोलो क्या है? सर हमें भी मौका दीजिए ना सर। क्रिकेट के लिए आए हो तो टीम में जगह नहीं है। सर हमें कोई धोनी या कोहली नहीं बनना है, हमें तो अच्छे से पढ़ के क्लास में फर्स्ट आना है। हाँ, फर्स्ट आना। तुम दोनों फर्स्ट कैसे आ सकते हो? अरे उस बात की कोई टेंशन ही नहीं है सर, वो सब हम देख लेंगे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या देखते हो तुम औजार? ची ची ची। क्या कह रहे हो सर? सर बिल्कुल भी नहीं, हमारे पेरेंट्स का सपना है कि हम टॉपर्स बने। हाँ, और हमारे सपनों में तो सिर्फ काजल अग्रवाल ही आती है। तू चुप कर। आप वो मेरा मतलब है कि मैंने सुना है कि आप क्वेश्चन पेपर्स लीक करवा सकते हैं कॉलेज से, क्या आप हमारी मदद करेंगे क्वेश्चन पेपर्स दिलवाने में? ठीक है, पर मुझे तुम लोगों से एक काम है। कुछ भी करेंगे सर, आप बस बोलिए। तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा। मुझे लाइफ से बड़ी उम्मीद थी, देखो आज कहाँ पर हूँ। सॉरी मेरे भाई, मैंने तुझे भी सब में फंसा दिया यार, ये क्या किया मैंने। भाई इसलिए हमेशा बड़े यही कहते हैं, दिल से मेहनत करो तो कामयाबी जरूर मिलती है। अरे तो चल फिर। चलो उठो स्पाइडी उठो, आराम से आ जाओ आ जाओ। बॉल आए क्या? नहीं ये होगा यार, ऋतिक रोशन के पेट पर ये फोल्ड्स तो देखो, कमाल है। इनको फोल्ड्स नहीं सिक्स पैक्स बोलते हैं, जब भी जॉन अब्राहम हंसता है तो उसे जिंकल्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये क्या बातें कर रही है भाई, क्या सारी लड़कियां लड़कों के बारे में ऐसी बातें करती हैं? मुझे जरा खीरा तो पास करना। ये डार्क सर्कल्स के लिए अच्छा इलाज है। बेवकूफ, ब्यूटी टिप्स है वो। साला डार्क सर्कल्स की पड़ी है इनको तो। अरे कौन हो तुम? मैम वो दिनेश भाई। ओ फर्स्ट ईयर। हाँ ये रहा फोन। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, अंदर बैठ भी है। बहन मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूँ, ये गलत है। ओए चुप हो जा, पकड़ लिए जाओगे और कूट दिए जाओगे। पकड़ लिया चलेगा, मैं अंदर नहीं आ रहा, मुझे जाने दो प्लीज। ए चार्जर चार्जर मारो इसे, पकड़ो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। ये क्या हाल हो गया भाई तेरा? तू फिक्र मत कर, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा। गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे हो? ए आपसे बात नहीं करनी, जाइए वार्डन को बुलाइए। वार्डन को बुलाओ। वेयर इज द वार्डन? क्या कर रहा है? मैं ही वार्डन हूँ। तो फिक्र मत कर, मैं बात करता हूँ। मैडम आप वार्डन है? इस लेडीज हॉस्टल में इतनी खूबसूरत लेडी वार्डन है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भाई यही वार्डन है क्या? अरे बेटा यहाँ की मैं ही वार्डन हूँ। इतनी सी उम्र में आप वार्डन बन गए हो मैडम, आपकी पक्का चाइल्ड मैरिज हुई है ना, ऐसा ही लगता है। नहीं नहीं बेटा, मेरी उम्र इतनी भी कम नहीं है, मैं 40 की हूँ। हो ही नहीं सकता मैडम, 40 की तो लगती नहीं, मुझे तो आप 22-23 की लगी, सच में ऐसा ही लगता है। आपने इस एज में भी क्या मेंटेन किया है, देखो इसे भी यकीन नहीं हुआ। क्या सच में?
पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम, ये बहुत दूर से आया और इसको अपनी माँ की याद आ रही है, पर बेचारा उनको मिलने भी नहीं जा सकता, इसलिए शायद ये यहाँ पहुँचा। मैडम, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। मैडम, ये मेरे ही गाँव का है। ये बहुत ही भावुक लड़का है मैडम, और हमेशा घर को ही याद करता रहता सही है, कह रही है। इसे अपने घर जाना है, इसे अपनी माँ से मिलना है। हाँ, बस यही जिद पकड़े हुए है तब से, हमेशा यही कहता रहता है, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। अरे अरे रो मत बेटा, उदास मत हो, बस ऐसे यहाँ रात को दोबारा मत आना। अरे मैडम बिल्कुल भी नहीं, मुझे अगर पता होता कि यहाँ इतनी खूबसूरत वार्डन रहती है तो आपको परेशानी नहीं होती। सॉरी मैडम, चल भाई चल यहाँ से, चले। हेलो, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ से जाओ। I'm so sorry, madam. किधर फंसा दिया तूने? चल अब यहाँ से, चल 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 चल। Bye ladies, bye ladies. Cheers. तुम लोग मुझे अच्छे लगे। मेरा कॉलेज अब खत्म होने वाला है और अब से तुम कॉलेज पर राज करो। Hey. Thanks भाई। तुम्हारे बारे में प्यून स्वामी को बता दिया है, अगर कुछ भी चाहिए तो उनसे बात कर लेना। ठीक है भाई। I love you, sir. अरे भाई ऑमलेट लेकर आओ। सॉरी भाइयों, मुझे देर हो गई। Cheers. अरे कुमार, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे अब से सब जल्दी ही होगा, मेरा बेटा एक ऑफिसर बनने वाला है, ऑफिस में सब उसके नाम से कांपेंगे और उस दिन मैं उस कमीने को बताऊंगा। अरे अंकल, चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से पियो ना। ए, लड़के, मैं और चिल्लाऊंगा, मेरा बेटा एक बड़ा ऑफिसर बनने वाला है। ऑफिसर? तो अपने ऑफिसर को ना अपने घर में रखो। हाँ, ये बार है, यहाँ के राजा पियक्कड़ होते हैं, पड़ाकू नहीं। ये आवाज हे भाई, पापा जैसी आवाज लग रही है। पागल है, इस लड़के की आवाज मेरे बेटे जैसी है ना। तुम हमेशा अपने बेटे के बारे में ही क्यों सोचते रहते हो? कुछ और नहीं सोच सकते क्या? पियो यार। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये उसकी जैसी ही आवाज थी, मैं देख कर आता हूँ। ए कुमार, रुक जाओ, अरे तुम लोग ये कभी नहीं सुनता। मेरा बेटा तो अभी बादाम दूध पीता है, वो हर बार में बुद्धू कहीं का, ऐसा सोचा भी कैसे। सॉरी, अरे वो मेरा बेटा नहीं था, कोई और था। चुपचाप यहाँ के बैठ जाओ। हाँ, फिर से चीयर्स। चीयर्स। ठीक है, मैं निकलता हूँ, घर ठीक से जाना, ओके? अब क्या क्या सोच रहे हो, बदबू की चिंता है क्या? अरे उसके लिए तो टेक्निक है ना भाई, पर कॉलेज में एक टॉपर बनने के लिए कोई आसान टेक्निक नहीं है। हा? तो उसके लिए हम पेपर्स दे रहे हैं ना भाई, सवाल काफी रहेंगे क्या? जवाब पता होना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो पढ़ाई ही क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मुझे करनी है? जिसने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया उसकी कुटाई करनी है। अरे रेल में समोसा बेचने वाला भी ना 1,00,000 रुपए महीना कमाता है। हाँ भाई, कल से हम लोग भी समोसा बेचते हैं। चप्पल से मारूंगा, रहने दे, गंदी हो जाएगी। अगर हम इस बिजनेस में भी आ जाए ना, तब भी हमारे पेरेंट्स फर्स्ट आने पर ही जोर देंगे। ठीक है, तुम्हारे क्लास का टॉपर कौन है? मैं बताता हूँ ना, किशोर कुमार, वो हमेशा टॉपर रहेगा। तो फिर एक काम करो जानकी, यहाँ क्या हो रहा है, ये स्पेशल पूजा क्यों? आपको अभी तक बताया नहीं क्या? हम अपने बेटे का नाम किशोर कुमार रखने वाले हैं। हाँ? किशोर कुमार, पर क्यों? नहीं नहीं, आइए ना बैठ कर बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि न्यूमेरोलॉजी कहती है कि अगर मैं नाम बदलकर किशोर कुमार रख दूं, तो मैं कॉलेज का टॉपर बन जाऊंगा, ऐसा यूट्यूब में देखा है। पर ये शिवा कुमार के नाम में क्या खराबी है भला? वो तो इसलिए रखा क्योंकि मेरी राशि कुंभ है। तो फिर कुंभ कुमार रख लो। नहीं नहीं प्लीज, बहस मत कीजिए, नाम तो किशोर कुमार ही मैच करेगा। मैच मतलब? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि देखिए मेरा फोन बज रहा है, ये अच्छा संकेत है, एक मिनट बस। हाँ, अच्छा संकेत है ना। अरे उसका फोन हर 5 मिनट में बजता रहता है, ये कोई संकेत हुआ? बेवकूफ। हेलो। अरे क्या रे, मैंने सुना तू सच में अपना नाम बदल रहा है। हाँ मैं अब ये करने वाला हूँ। सुनना, जब मैं अपना नाम बदल लूंगा तब मैं उस नाम की अटेंडेंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट लाकर, मार्कशीट दिखाकर घर में सबको मना लूंगा कि मैं टॉपर हूँ। भाई है भाई, लगे रे। हे, कॉलेज में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट है, समझ गया? हाँ, काजल के अलावा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अरे पापा आ गए, बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, चल। हाँ पापा। ये नाम बदलने के बाद तुम ऑडिटर बन जाओगे पक्का ना? बिल्कुल पापा। पता नहीं तुम्हें कुमार बोलने की आदत सी हो गई है। इसमें कौन सी बड़ी बात है,
शिव कुमार हो किशोर कुमार हो, रहेगा तो हमारा कुमार ही सही ना? का हमार तुझे क्या चाहिए? पोटैटो चिप्स। और तुझे? मेरे लिए चावल मंगा। हाँ, हमारे लिए एक डोसा, एक प्लेट पोटैटो चिप्स और एक प्लेट चावल। नहीं भाई, पहले के पैसे बाकी हैं। ये बताओ कितने हुए? देखो तुमने साल भर में कुछ नहीं भरा है। ये बिल इतना ज्यादा कैसे हो गया? बाद में भरता हूँ, पहले ऑर्डर लाओ। ऐसे तो हमें कैंटीन बंद करना पड़ जाएगा। इन लोगों को देखो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा, सब भर दूंगा, पहले ऑर्डर लाओ। अरे तू छोड़, ये तो पागल इंसान, अगली बार से नहीं दूंगा। पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है यार, मेरा बिल इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कल से ज्वाइन करने वाले हैं। अब तुम लोग कोई बड़े सीनियर्स नहीं बन गए हो, रैगिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है? सर हम किसी की भी रैगिंग नहीं करेंगे। हाँ सही कह रहा है सर, रैगिंग करना तो हमारे खून में ही नहीं है, और लड़कियों की तो बिल्कुल नहीं, खूबसूरत की तो कतई नहीं। सर एक और लड़की है जो शायद आपके रिश्तेदार है, कावेरी, हम उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, प्रॉमिस। प्रॉमिस। देखा आपने सर कैसे इनके बेहतरीन दिमागों ने सारे नंबर याद कर लिए हैं? शायद इन लड़कियों के पेरेंट्स भी इतना सब कुछ ना जानते हो, पर इन लड़कों के पास सारी खबर रहती है। सर उनमें से एक टॉपर अवंतिका है, हम उसकी भी रैगिंग नहीं करेंगे। हाँ, जैसे मैं तुझे करने भी दूंगा। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मेरे सामने शरीफ बनना बंद करो। हॉस्टल में सिटअप्स या ऐसी कोई भी चीज हुई तो देख लेना, समझे? अरे नहीं सर, वो सिटअप्स वगैरह सब पुराना हो गया है, अब तो नई चीजें आ गई हैं, जैसे कि जूनियर से प्रोफेसर बुलवाना, उन्हें गालियां देना, प्रोफेसर की एक्टिंग करवाना, उन पर हंसना। सुनो लड़कों, अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं बहुत सीरियस एक्शन लूंगा, समझे? सर ये सब आसपास के कॉलेज में होता है, हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता, यकीन मानिए। फिर मिलेंगे सर, गुड आफ्टरनून। बाय सर। बाय सर। ये क्या है? हा? अभी तक तो जूनियर्स आए भी नहीं हैं, और इनके पास लिस्ट भी तैयार है, ये किस कमीने का काम है? सर बहुत कमीने हैं जो सिर्फ एक बियर की बोतल के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। सर आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं तो बियर पीता ही नहीं हूँ, ओनली हार्ट। हेलो मिस अवंतिका, हेलो आर यू अवंतिका? खूबसूरत है, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी खूबसूरत होगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। सुन भाई, वो सिर्फ मेरी है, उसे घूर मत। अरे मेरी छोड़, मैं तो नहीं घूरूंगा, लेकिन वो पीछे जो लड़के खड़े उनका क्या होगा? ऐश्वर्या, अगर मैंने उससे बात की तो लोगों को लगेगा कि मैं रैगिंग ले रहा हूँ। एक काम करो ना, क्यों ना तुम जाकर उससे बात करो और फिर उसे हमारा फ्रेंड बना दो। सही बोला भाई। कंट्रोल कर भाई। या कम, ये है विक्रम। हाय हाय। तुम दोनों फ्रेंड्स हो? कटप्पा बोलिए महाराज। अवंतिका को क्या हुआ? माहेश्वरी के राजा को छोड़कर उस कालकिया की टोली में जा बैठी है। इसीलिए तो मैं इन स्त्रियों पर भरोसा नहीं करता मेरे प्रभु। अवंतिका, हाँ उन लड़कों की ओर देखना भी मत, दोनों के दोनों बहुत कमीने हैं। पर लगते तो नहीं है, क्या बेवकूफों की शक्ल पे कुछ लिखा होता है? भाई ये शायद हमारे बारे में बात कर रही है ना? हाँ भाई करने दे, बात करने दे। चलें क्या? चलें? हाँ हाँ। ओके। हाँ। अवंतिका, अबे क्या कर रहा है? उस पर ध्यान मत दो, चलो। अवंतिका। हाँ। हाय। अरे अभी से क्या चाहिए? तुम कहाँ जा रही हो? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? लगता है दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। हाँ। तुमने देखा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम एक लड़की हो, जेंट्स टॉयलेट में इसकी इज्जत के साथ कैसे खेल सकती हो? ओह माय गॉड, ये सच नहीं है, मैं तो तुम्हें देखकर। तुमने मुझे नहीं इसे देखा। ए, जिप तो बंद कर ले अपनी। छी 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 छी,
एक लड़के की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। अगर इसका उल्टा हुआ होता तो अभी तक तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हंगामा मच गया होता, इसकी तो जिंदगी खत्म हो जाती। सर सर, इस सब की कोई जरूरत नहीं है सर, प्लीज आई एम रियली सॉरी। चुप रहो, अब कौन करेगा इससे शादी, ये बताओ मुझे, अब ये समाज को क्या मुंह दिखाएगा? सर ये एक छोटी सी बात है, आप क्यों बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? इसकी इज्जत एक छोटी सी बात है? नहीं मैं कुछ नहीं जानता, चलो प्रिंसिपल रूम में चलो। सर प्रिंसिपल तक नहीं सर प्लीज। अरे नहीं भाई रहने दो भाई प्लीज। देखो किशोर मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्लीज सर आप क्यों इशू बना रहे हैं इस बात का? प्लीज जाने दो ना भाई। hey, सुनो डिप्रेस होकर सुसाइड के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा, मैं साथ हूँ ना, साथ हूँ तुम्हारे, जाओ पढ़ाई करो तुम, जाओ जाओ जाओ, चलो निकलो। हाँ तो ठीक है, तो फिर सेटलमेंट करते हैं। दो ऑप्शंस हैं, या तो प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा या फिर मेरे साथ कैंटीन में कॉफी पीनी होगी, तुम डिसाइड कर लो, चॉइस इज योर्स। जो भी है। हे यू, साड़ी पहन कर आना। हाँ। क्या पता वो कल क्या पहन के आएगी। हेलो मिस्टर ऑफिसर, आसमान में देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? ए, किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? बस करो माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे कौन प्यार करेगा। अरे तुम में क्या खराबी है, इतने सुंदर तो हो। बिल्कुल अपने पापा जैसे, इसे भूल जाओ, तुम्हारे पीछे तो लड़कियों की लाइन लगेगी। क्या मैं उन सबको हाँ बोल सकता हूँ? अरे मार खाओगे, मजाक किया था, लगता है शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें, अगर लाने ही हैं तो जितने चाहो उतने मेडल्स लाओ। रिंकू। हाँ थैंक यू, सबके सब मेडल्स के दीवाने हैं। माँ मेरी हेल्प कीजिए ना थोड़ा। ये क्या है अवंतिका, तुम अचानक ये साड़ी में कैसे? कॉलेज में एक सीनियर ने बोला है माँ। हाँ हाँ। अवंतिका हाँ? तुम इतना सज धज कर कॉलेज क्यों जा रही हो? किसी कॉलेज सीनियर ने आज साड़ी में आने को बोला है। कॉलेज सीनियर्स? वो रैगिंग कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं। मैं प्रिंसिपल से बात करूं? हाँ? डैड मेरा मतलब था सीनियर लेक्चरर, सीनियर नहीं। माँ को गलत फहमी हुई है, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं चल जाने से पहले नाश्ता तो कर लो। नहीं देर हो गई माँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है ओके बाय बाय। मैं तुम्हारी तरफ से बोलूंगा ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कम 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 मिस अवंतिका। अवंतिका तुम्हारे सीनियर्स अभी बता रहे थे उसके बारे में। सर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ सर, मैं एक अच्छे घर से आती हूँ सर। नहीं 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 अवंतिका, इन सब मामलों में अपने परिवार वगैरह को मत लाओ, ये तुम्हारे सीनियर्स की इज्जत का सवाल है, समझे? आपकी बात ठीक है सर। अवंतिका तुम उस शॉर्ट फिल्म में एक्ट कर सकती हो, कोई बात नहीं। क्या शॉर्ट फिल्म? हाँ एक शॉर्ट फिल्म। हाँ मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें? ये एक एजुकेशनल शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, यू हैव टू एक्ट। नो 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 सर प्लीज नो, दिस इज योर प्रिंसिपल्स ऑर्डर, यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ओके कैरी ऑन। लव यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ तो सबसे पहले हम जाएंगे, ये फिल्म ऐसी होगी कि धमाका मचा देगी मेरे भाई। तुम क्या कर रही हो? विक्रम तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम दफा क्यों नहीं हो जाती? ए, तुम्हें मैं नौकरानी के रोल में कास्ट करूंगा, थोड़ा सा लेफ्ट होना। ओए भाड़ में जाओ। ओके सर अब क्या करना है, एग्जाम दे रही हूँ वो एक्ट करना है। हाँ बात ये है। डायरेक्टर कौन है रे फिल्म का? हाँ तो मुझे बताने दे भाई। हाँ ठीक है। स्टार्ट ऐसे होगा कि कोल्ड ड्रिंक से जूम आउट करता हुआ रहेगा हमारा पहला शॉट। हाँ। हीरो हीरोइन कैंटीन में है और दो स्ट्रॉ से एक ही कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, जरा इमेजिन करके देखिए, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और बोलते हैं आई लव यू, और यहाँ पर सीन खत्म। कमाल है भाई, बढ़िया सीन है। थैंक यू। क्या सीन है ये? तुमने कहा था ये एक एजुकेशनल फिल्म है, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? अरे उसी फिल्म का पार्ट है, कॉलेज के सारे बच्चे अपना वक्त मोहब्बत में तो बर्बाद करते हैं, वही तो है। अरे प्यार भी तो पढ़ाई की तरह है, और यही हमारी शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट है, समझा इसको यार। हाँ रुक, तुमने वो बैन अल्कोहल वाली एड फिल्म देखी है? वो पूरा वक्त पीते रहते हैं और अंत में उसे बुरा कहते हैं, सेम कंटेंट। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं करना। कोई नहीं, प्रिंसिपल ने बोला है करना पड़ेगा। मैं हूँ हीरो और तुम हीरोइन और ये डायरेक्टर। अरे इस फिल्म में इतने सारे इमोशनल सीन्स है ना कि ये है नानी, ये है शर्वा और एंड में आएगा विजय देवरकोंडा। फिल्म ऐसी बनेगी कि शायद हमें ऑस्कर तक दिला दे मेरे दोस्त। अवंतिका चलो। प्रिंसिपल ने मुझे इनकी शॉर्ट फिल्म में काम करने को बोला है। क्या है रे, एक बेचारी लड़की को देख के उसे डरा रहा है।
वो नहीं आएगी तो चलता बन निकल। तू शॉर्ट समझा ना यार। हाँ समझाता हूँ, आ बैठना। जब हम फ्रेम खोलेंगे। सबको नमस्कार। जैसे इंसान को जीने के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही विद्या भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। विद्या हमें बढ़ने में मदद करती है। जिस देश में अच्छी विद्या हो वो देश जरूर तरक्की करेगा। रेडी है ना? एक्शन। मैं तुम्हारे लिए गोद में नहीं गिरने वाला, भले ही तुम मेरी गोद में गिरी हो। कट इट भाई, सुपर, बहुत बढ़िया। किसने लिखे हैं ये बकवास डायलॉग? हे, आई एम द डायरेक्टर एंड आई एम द राइटर। इस डायलॉग की वैल्यू तुम्हें फिल्म के एंड में पता चलेगी। ये मणिरत्नम की फिल्म वाला फ्रेम होगा। भाई ये फ्रेम में जूनियर आर्टिस्ट कौन है? ए जूनियर आर्टिस्ट, आज सेट पे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ। ए जूनियर आर्टिस्ट किसको बोला रे? तेरे को और किसको, मुंह तोड़ दूंगा रे तेरा। जाने दे यार, इसे बाद में देख लेंगे। साइलेंस, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डिग्निटरीज एंड आवर डियर स्टूडेंट्स। आई हार्टली वेलकम यू ऑल टू द स्क्रीनिंग ऑफ द शॉर्ट फिल्म्स मेड बाय आवर स्टूडेंट्स। I now welcome Vikram and his team for the first screening. All the best. इस कॉलेज की परंपरा और प्रतिष्ठा के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ। आप लोग साथ हैं मेरे? हम साथ हैं। जोर से। हम साथ हैं। मेरे साथ। Hey, क्या ये? कॉलेज में स्मोक कर रहा है? फेंक इसे। देख क्या रहा है? क्लास में जा। उठो यहाँ से, क्लास में जाओ। चलो। Short film is a message oriented one done by Shiva and his team. The speciality of this movie, our lecturer K Murthy has also acted in it. So let's start. Sit down. Please bet here. क्या चल रहा है ये? हमारे कॉलेज के लड़कों ने एक मूवी बनाई है सर, मैंने भी उसमें एक्टिंग की है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जब मैं एजुकेशन पर बात कर रहा था उसको सुनते हुए सारे के सारे कहीं खो से गए थे सर। और इतना ही नहीं, इसमें मैंने आपकी और इस कॉलेज की बहुत सारी तारीफें की है सर, आप देखते रहिए बस। ये शॉट तो ऐसा था। बेकार सब्जेक्ट है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। पर मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। हम कॉलेज में पढ़ने आते हैं, ये प्यार व्यार के लिए नहीं। बाकी सब भले ही यहाँ पढ़ने आते हो, मेरे लिए कॉलेज आने की तुम ही वजह हो अवंतिका। दिस इज इंस्पिरेशन नॉट डेस्पिरेशन। यू आर माई मोटिवेशन। यस, मोटिवेट मी अवंतिका प्लीज। इसमें मैसेज क्या है सर? ये भी कोई फिल्म है? अरे ये फ्रेम तो देखो, ये फ्रेम देखो। मैं तुम्हारे लिए नहीं गिरने वाला, भले ही तुम मेरी गोद में क्यों ना गिरी हो। मैं सिर्फ अपनी शिक्षा से प्यार करता हूँ, तुम समझे ना? हाँ समझ गई। नहीं तुम कुछ नहीं समझी। क्या मतलब है तुम्हारा? चुप रहो। दिस इज एम्बैरेसिंग। सबको नमस्कार, अब मैं हूँ, देखिए आ गया। जैसे हवा और पानी इंसान के जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही प्यार भी उतना ही जरूरी है। हमारे कॉलेज का अहम मकसद है स्टैंडर्ड ऑफ सेक्स एजुकेशन। मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया सर, यकीन करिए सर, मुझे माफ करिए। हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल को शिक्षा की कोई परवाह नहीं, बस पैसे आने चाहिए। हमारे प्रिंसिपल चाहते हैं कि बच्चे हमेशा नशे में ही डूबे रहें। अरे ये क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन है सर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सर। कौन है, मेरी आवाज नहीं है सर, सुनिए तो। शिवा हाय, कंग्रेचुलेशंस, शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी थी। थैंक यू, सबको बहुत पसंद आई। मुझे लगा नहीं था कि सबको इतनी अच्छी लगेगी। ए भाई उधर देखना तो। अवंतिका। हाँ आ रही हूँ बस। और क्या? और क्या? क्या तुम्हें कुछ कहना है? एक्चुअली चल भाई चलते हैं। हे उसने मुझे स्माइल दी भाई। अरे तू अनोखा नहीं है, वो सबको स्माइल दी। बोला शिवा को। ए शिवा जल्दी करना। हाँ आ रहा हूँ।
तो क्या तुम मुझसे प्यार मेरा मतलब है तुमने प्यार की क्या सही एक्टिंग की है शॉर्ट फिल्म में? ओ क्या तुम्हें बस एक्टिंग ही दिखाई दी उसके पीछे का सच नहीं? बाय। हे सच क्या है वो तो बताती जाओ। खुद पता लगाओ ना। बाय। और कुछ बोलना चाहती हो तो? पागल डैड घर पर है मेरे जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं पापा। बॉयफ्रेंड है? नहीं बस एक दोस्त है। एप्पल खा रही हो ये उसे बताया है। तुम्हें लगता है कि मुझे समझ नहीं पापा वो मैं देखता हूँ। फ्रेंड है ना? जैकेट क्लॉथ 200 रुपए, जैकेट की सिलाई 2000 रुपए। मुझे तो लेडीज टेलर बनना चाहिए था। कर्जा 40,000 रुपए। हे भगवान। कुमार कुमार हेलो। हे इडियट, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी से बात करने की कोशिश की, उसे प्यार के झांसे में फंसाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। hey, कौन हो तुम? मेरे बेटे को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। तुम उस आवारा के बाप हो। समझाओ नहीं। क्या आवारा बोला उसे? तू होगा आवारा, तेरी बेटी आवारा, तेरा पूरा खानदान आवारा। अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखा। तू मेरे घर आ मैं तुझे सब बता दूंगा। अरे ये तू पहले मेरे घर आ। लौट दिया फोन उसे। क्या बात हो गई? किससे लड़ रहे थे? तुम्हारे इस प्यारे बेटे को प्यार हो गया है। अरे जाता कहाँ है? रुक यहाँ। उस लड़की के बाप का भी कॉल आया था और इसके हाथ पांव तोड़ने की धमकी दिया उसने। नहीं हाथ पैर तोड़ दिए तो ये ऑडिटर कैसे बनेगा? बेहतर होगा तो मुझे बता दे वो कहाँ रहते हैं। मुझे एड्रेस नहीं पता, हम बस कॉलेज और पार्क्स में मिलते हैं। पार्क्स में? पार्क में बुद्धू कहीं की। अरे पार्क में क्या करेगा, वहाँ बहुत लोग होते हैं। इसने क्या किया उसकी फिक्र मत करो, बस अभी के अभी मुझे उसका एड्रेस बताओ। नहीं नहीं पापा, मुझे उनका एड्रेस सच में नहीं पता। प्यार करते वक्त ये सब नहीं सोचा था? बिल्कुल नहीं। मुझे वहाँ पर लेकर चलो अभी। अरे आओ आओ पियोन के बेटे, बैठ भी जाओ। तो कैसे हो प्योन? क्या रे तू बेवकूफ है, तुझे इसकी ही बेटी से प्यार करना था? पता है मैं किसकी बात करता हूँ? एक पागल माधवराव की, मेरे बचपन का दोस्त और एक्स बॉस, ये वही है। तमीज से बात करो। मुझे तो कल कॉल पर ही शक हो गया था कि ये मेरे उस आलसी प्योन की जैसी आवाज है। तो तुम्हें एहसास हो ही गया कि अमीर बनना नामुमकिन है, तो तुमने अपने बेटे को अमीर लड़कियों का पीछा करना और उन्हें मीठी मीठी बातों से प्यार के जाल में फंसाना सिखा दिया, इसलिए भेजा है ना उसको कॉलेज? शट अप, तुम्हें कुछ नहीं पता। कॉलेज में लड़कियों का पीछा करना और उन्हें प्रेम जाल में फंसाना, ये सब फिल्मी बकवास है। अगर मुझे सच में किसी अमीर बाप की बेटी को फंसाना होता तो मैं भी तुम्हारी तरह एक अमीर लड़की से शादी करता। मैं एक मामूली सुतार की बेटी से शादी क्यों करता? आप यहाँ हमें साथ लाने की बात करने आए, आपस में लड़ने नहीं आए। देख लिया, तुम्हें इस घर में शादी करनी थी ना? तुम ध्यान से सुनो, वही लड़का मेरी बेटी से शादी कर सकता है जो मुझसे भी बड़ा ऑफिसर हो। मैं उसे हरगिज़ किसी पियोन के बेटे से शादी नहीं करने दूंगा। ए, माधव याद रखो, मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आज भी अपने 20 साल पहले किए गए चैलेंज पर अटल हूँ। तुम देखना मेरा बेटा तुमसे भी बड़ा ऑफिसर बनेगा और वो तुम्हारी बेटी से शादी भी करेगा। चैलेंज है। सर मुझे 20,000 रुपए एडवांस चाहिए थे। सर ये क्या है, तुमने अभी तो ज्वाइन किया है और तुम्हें अभी से एडवांस चाहिए? सर बात यह है, मेरा बेटा बीकॉम कर रहा है ईस्ट वेस्ट कॉलेज से, मुझे उसकी फीस भरनी है। तो ईस्ट वेस्ट कॉलेज, मैं भी वहीं जाता हूँ। आपका बेटा कौन है? शिवा कुमार सर।
उसे क्लास का टॉपर बनना है तो उसने अपना नाम किशोर कुमार रख लिया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। नाम बदल लिया उसने। ठीक है मैं अकाउंटेंट से बात करता हूं, उनसे ले लेना। शुक्रिया सर। नमस्कार बेटा। हे शिवा, 2000 की बैट है, तुम्हें 3 बार स्कोर करना होगा। अरे हमने तो सुना था ये ऑडिटर का बेटा। कम ऑन प्यून बॉय। बस दो और फिर रात को पार्टी करेंगे। बस एक बॉल और है शिवा, ठीक से करना। बाप प्यून है या ऑडिटर है? शायद ये 2 बाप की औलाद है। इसकी मूवी का टाइटल पता क्या होगा? प्यून ऑडिटर और बीवी। क्या बोला? प्रिंसिपल सर, नमस्कार। शशि कुमार। नमस्कार सर। प्लीज सिट। नहीं, मैं ठीक हूँ सर। कोई बात नहीं, बैठिए। मैं ठीक हूँ सर। आपकी मर्जी। देखिए, ये लड़ाई किसी स्टूडेंट प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुई थी, इसकी वजह पेरेंट्स की पहचान है। तो अगर आप लोग इस पर बात कर लें तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। सर, मेरा बेटा मारपीट करने वालों में से नहीं है। इस लड़के ने कुछ कहा होगा, बात बढ़ गई होगी और यहाँ तक पहुँच गई। तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? ये पूरे कॉलेज से झूठ बोल रहा है कि तुम एक ऑडिटर हो, तो क्या सच बताने के लिए ये मेरे बेटे को मारेगा? सर, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये गलती नादानी में हुई है। मैं वादा करता हूँ मेरा बेटा आपके बेटे से माफी मांग लेगा। माफी से काम नहीं चलेगा, इस पूरे कॉलेज के सामने सच बताना पड़ेगा और फिर माफी मांगना। देखो बेटा, मैं इनके लिए काम करता हूँ, आज यहाँ आने के लिए भी इन्हीं की परमिशन लेनी पड़ी थी। आखिर मैं पियून ही तो हूं ना, माफी मांगने में क्या बुराई है? प्लीज। ₹13,000 kg of certain material। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कम इन मैम? यस कम इन।
जैसा मैंने बताया था, मेरे फादर कोई ऑडिटर नहीं है, वो एक मामूली पियोन है। मैंने आप सबसे झूठ बोला था। आई एम सॉरी। थैंक यू। चल कोई बात नहीं, तू जानता है मैं एक पीएन हूँ, इसीलिए तो तुझे कुछ बड़ा बनाना चाहता हूँ बेटा। जिस दिन तुम ऑफिसर बनोगे मैं बहुत गर्व महसूस करूँगा, सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हारे आने वाले बच्चे भी तुम्हारे ऑफिसर होने पर तुम पर गर्व करेंगे। मैं तो बस यही चाहता हूँ। ये सब बेकार की बातों पर सोचना बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो आओ। आसमान में क्या हुआ रे मजनू? माना तेरी शक्ल अच्छी नहीं, मूड तो सही रख। मेरा मतलब ऐसे सटल एक्सप्रेशंस क्यों रखे हुए हैं? ये किशोर कुमार को जॉइंडिस हुआ है और कल से शुरू हो रहे हैं एग्जाम्स। पता नहीं अब घर पे किसकी मार्कशीट बताऊंगा। क्या बात कर रहा है, बस इसीलिए परेशान है? मुझे तो लगा कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे सीक्रेट गोवा ट्रिप प्लान करना, लड़की को डेट पे लेके जाना वगैरह वगैरह। तेरे लिए हर चीज मजाक है क्या? अरे नहीं रे, ऐसा नहीं है। अच्छा बता, जब तेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो तू क्या करता है? किक स्टार्ट। एग्जैक्टली, जब नए पैंतरे काम ना आए तो वही पुराने वाले अपना लो। तेरा मतलब स्लिप से है? हाँ बिल्कुल। अरे मैं तो फर्रे स्कूल लेकर जाता था, जब मन करा जेब से निकाला और लिखना चालू। अरे ऐसे ही फर्रे निकाल निकाल के तो पास हुआ तेरा भाई, और क्या। सर, हमने इसे रंगे हाथों एग्जाम में कॉपी करते हुए पकड़ा है। इसे तुरंत निकाल दीजिए और पुलिस को सौंप दीजिए। यस सर। नो वेट, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, इस कॉलेज की बदनामी हो जाएगी। ठीक है। क्या मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूंगा तुम्हारी, मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा, समझे? आज के बाद कॉलेज मत आ जाना। सर सर अभी ऐसा मत कीजिए सर। अभी के अभी अपने पेरेंट्स को बुलाओ, इमीडिएटली तुम ऑफिस में आओ। सर प्लीज, मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज। कुमार। हेलो माँ। क्या हुआ? एग्जाम बढ़िया से हुआ ना? माँ मेहमान घर पर आते होंगे, जल्दी आ जाओ। माँ आपको अभी कॉलेज आना होगा। पर क्यों बेटा? प्लीज माँ, पापा को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, आप अभी आ जाइए। पर हुआ क्या है? बस आ जाओ माँ, बाय। कम इन बेटा, ये लीजिए आपके बेटे का टर्मिनेशन लेटर। इसका मतलब सर? आपको पता है कि ये क्या है? ये वो स्लिप्स हैं जो ये एग्जाम में लाया था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। देख लीजिए, इसे हम बेवकूफ लगते हैं। नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं, ये तो हमेशा फर्स्ट आता है, ये ऐसा क्यों करेगा? ये झूठ है सर। तो आपने इसके सारे झूठ मान लिए? बताओ इन्हें, यही खड़ी है, बोलो कैसे तुम किशोर कुमार का नाम इस्तेमाल करके घर पर उसके मार्क्स बताते हो? आप ही पूछ लीजिए सच्चाई क्या है, जल्दी बताओ इन्हें। देखिए, पशुओं की तरह दिन में तीन बार खाना खिलाना परवरिश नहीं होती, आपको नजर रखनी चाहिए कि ये कैसे पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप खुद देख लो क्या होता है, ये दिन देखने पड़ते हैं। स्वामी इसे नोटिस बोर्ड पर लगा दो।
ऐसा मत करिए सर, इससे गलती हो गई है। माफ कर दीजिए सर, प्लीज। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। आपको अपने बेटे की फिक्र है और मुझे अपने स्टूडेंट्स की फिक्र है, समझिए प्लीज। इसे लेकर जाइए। आइए मैडम। मेरी बात सुनो माँ, सारी भाई सारी, बस भी बात नहीं होगा। तुम लोग आ गए, बड़ी देर कर दी। तुमने देर क्यों लगा दी? सब परेशान हो रहे हैं यहाँ। कहाँ रह गई थी? तुमने फोन क्यों बंद किया हुआ है? सब इंतजार कर रहे हैं। और बेटा एग्जाम कैसे गए? चलो आओ आओ, अंदर आओ। क्या बात है, क्या हुआ है? सालगिरह पर आपके प्यारे बेटे ने आपको ये तोहफा दिया है। डिबार्ट, इसका क्या मतलब है, क्या हुआ है? ये तो टॉपर स्टूडेंट है, ये कैसे डिबार्ट हो गया? कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? हाँ पापा, मैं एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। बहुत तमाशा हुआ, मुझे निकाल दिया है। आप खुश हैं आप लोग? चलिए अंदर जाइए। हिम्मत कैसे हुई? एक तो गलती के ऊपर से नाटक करता है, हम पर चिल्लाता है। आपको पता है कि दोषी कौन है यहाँ पर? वो मैं नहीं हूँ, ये है ना आपके पीछे खड़े। बचपन से ही ऑडिटर बनना है, ऑडिटर बनना है, बनो ऑडिटर अब। क्या मैंने कभी पूछा है कि आप पियोन क्यों बने हो? एक अमीर ऑडिटर क्यों नहीं बने? पूछा क्या? बचपन में ही मेरा करियर तय कर लेना कोई सपना नहीं है, यह आपका स्वार्थ है, सरासर आपका स्वार्थ है। मुझसे अब और नहीं होगा, इस स्वार्थ के लिए मैं अपनी बलि नहीं दूंगा। स्वार्थ था ये और स्वार्थी? तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए इन्होंने न जाने कितनी तकलीफें उठाई, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। न जाने कितनी रातों को इन्हें भूखा सोना पड़ा तुम्हारी खुशियों के लिए। ये स्वार्थी है, तुम्हारे कॉलेज की फीस भरने के लिए हजारों रुपए उधार लिए और तुम कहते हो हम स्वार्थी हैं? उधार लेना या कमाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई करना बड़ी बात है। तुम्हें भी तो बस यही करना था ना, अगर पढ़ लेते तो तुम्हारा ही फायदा होता ना। हमने भी तुमसे बस वही चाहा जो हर माँ बाप चाहते हैं। कहने और करने में फर्क होता है, पियोन की नौकरी करने वाला क्या समझेगा कि पढ़ाई करना कितना मुश्किल काम है? खुद पढ़ाई की होती तो पता चलता। सच कहा बेटा, इनके पिता तुम्हारे पिता जितने महान नहीं थे। अगर इन्हें पढ़ाई का मौका मिला होता ना तो आज इन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर इन्हें सहारा मिला होता ना तो आज ये कहां से कहां पहुंच गए होते। ओहो, तो प्रॉब्लम मेरी पढ़ाई नहीं है, प्रॉब्लम इनका कम पढ़ना है। किनारे बैठकर बड़ी बातें नहीं होती, गहराई में उतरना पड़ता है। आप बोल रहे थे ना कि मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी आपके लिए करूंगा। आप पढ़ोगे क्या? क्या आप पढ़ोगे बताओ? हाँ पढ़ूंगा। हाँ जानकी, मैं पढ़ूंगा। हाँ, अगर आप इतने ही लायक हो तो जितना भी मुश्किल हो मुझे परवाह नहीं, मैं आपकी पढ़ाई के लिए कमाऊंगा। मैं तुम्हें गलत साबित करने के लिए पढ़ूंगा, तुम्हें ये साबित करूंगा कि जितना तुम सोच रहे हो पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है। पढ़ूंगा। तो परिवार के लिए कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं है? आपको गलत साबित करने के लिए मैं आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा। तो मैं कमाऊंगा। मैं पढ़ूंगा। हाँ, तो मैं कमाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ अवंतिका, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है। मैं बस उन्हें निराश नहीं करना चाहता। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं उनको दुख नहीं देना चाहता था।
सोचा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। शिवा, मैं समझती हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, पर तुम्हें अपनी बात अंकल को अच्छे से समझानी ही पड़ेगी। हाँ शिव कुमार, मैं अभी आया। आपने रात से कुछ नहीं खाया, आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? नहीं। आप क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, मिल गया, मेरा इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट मिल गया। सुनिए। क्या हुआ? मेरे पास एक सुझाव है। कल आप दोनों गुस्से में थे, आप दोनों ने बहुत कुछ बोला। मैं मानती हूँ डिग्री बहुत जरूरी है, पर उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा ना। आप घर से कोरेस्पोंडेंस क्यों नहीं कर लेते? तुमसे ये सब किसने कहा? अब नहीं नहीं, मैंने नहीं, आपके बेटे ने कहा। इस उम्र में टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ओहो, तो आपके साहबजादे ने ये सुझाव दिया है? कहाँ है वो? कल घर पे बड़ा झगड़ा हुआ है। ए, ये क्या बात है? कौन सा खेल खेल रहे हो तुम? तुम चाहते हो मैं कोरेस्पोंडेंस से पढूं? क्या मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया था? मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस दी, तुम्हें पॉकेट मनी दी, तुम्हें कॉलेज जाने के लिए बाइक खरीद कर दी। तुम्हें भी मेरे लिए ये सब करना होगा। और ये मत बोलना कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ये मान लो कि तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते। खोखले वादों का यहाँ कोई काम नहीं है। पापा, खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो? मेरी तकलीफ के बारे में मत सोचो, तुम अपनी बात को पूरा करने पर ध्यान दो। पापा, आपकी उम्र में तुम्हें ये डर है कि अगर मैं कॉलेज जाना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है माँ, व्हाट्सएप स्टेटस पहले लगा दिया कि पापा कॉलेज जाने वाले हैं। इसे बस ऑडिटर का स्टेटस हासिल करना था, इससे बस व्हाट्सएप स्टेटस ही हो पाया। कथा कहीं का? देखिए पापा, मेरी बात सुनिए। तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया, तुम क्यों अपने पिता को परेशान कर रहे हो? ठीक है माँ, मैं खुद पक्का करूंगा कि इनको कॉलेज में एडमिशन मिले। ये सडन बोर्ड मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि हमें ये डिस्कस करना है कि मिस्टर शशि कुमार को यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है या नहीं। योर ओपिनियंस सर? वी ऑल नो व्हाट हिज सन डिड हियर अ फ्यू मंथ्स अगो, सो अकॉर्डिंग टू मी, बाय गिविंग अ सीट टू हिज फादर, डोंट यू थिंक द अदर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज विल फील अनकंफर्टेबल? ये यहाँ पर है क्योंकि इसने अपने बेटे को चैलेंज दिया है। कल को कोई और अपनी बीबी या बेटी को चैलेंज दे देगा तो क्या ऐसे में हम सबको कॉलेज में सीट दे देंगे? और आपको कुछ बोलना है? मिसेस भावना, आप चुपचाप क्यों हैं? प्लीज अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। इस जेनरेशन के पेरेंट्स, जब उनके बच्चे पढ़ते नहीं है तो या तो उन्हें डांटते हैं या तो उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, और इन सब के बीच में ये बहादुर हैं जो इस उम्र में आगे आए हैं बस अपने बेटे को पढ़ाई की अहमियत समझाने के लिए। ये कमाल का फैसला है। उम्र सिर्फ शरीर की होती है, पढ़ाई करने की नहीं। पढ़ाई उम्र के साथ रुक नहीं जाती। ये साबित करने के लिए हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। ना ही आपके कॉलेज को और ना ही आपके स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कभी कोई परेशानी होगी, और अगर मैं परेशानी बन जाऊं तो आप कभी भी मुझे अपने कॉलेज से निकाल सकते हैं। ओके, मिस्टर शशि कुमार सर, इस कॉलेज के रूल्स को इग्नोर करके मैं आपको पर्सनल डिस्क पर पढ़ने की इजाजत देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी वजह से मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। क्या कहा मैडम? हाँ। अरे मैं हूँ। मैं? हाँ मैं हूँ, मैं जेपी स्कूल भावना, तुम्हारी जूनियर। वो चोटी वाली भावना? हाँ। तुम तो बदल गई। अब याद आ गई ना? हाँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम हमेशा ही स्कूल में वो कृष्णा वाले कपड़ों में घूमते थे। मुझे अब भी तुम्हारा वो गाना याद है। ओ कन्हैया तेरी दया।
यहाँ पर हम हैं। अच्छा तुम्हें वो लड़का याद है जो तुम्हारा दीवाना हुआ करता था, उसका क्या हुआ? मैंने उससे शादी कर ली। अरे वाह। अब वो दुबई में काम करते हैं। अच्छी बात, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अगर कभी भी कोई भी डाउट आए तो मुझे फोन करना, मेरा नंबर ले लो। ठीक है, टाटा बाय बाय, मैं कॉल करूंगा। अरे सुनिए। हाँ हाँ बोलो। कौन थी वो? वो चोटी वाली भावना, मेरी बचपन की दोस्त, वो इसी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती है। मेरा मतलब उसने मुझे यहाँ एडमिशन दिलवाने में मेरी मदद की। ए, तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? मुझे सीट मिल गई है, जाओ फीस भरो। शशि कुमार सर, मैं जरा साइन करके आता हूँ। इतना बड़ा अमाउंट में अचानक कैसे भरूंगा? ए, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए ऐसे बहुत से अमाउंट्स भरे हैं। पर मेरे पास पैसे नहीं है माँ। अभी आपके पास है ना? हाँ, मेरे पास कहाँ से होंगे? तुम्हारे पिता की सैलरी से वैसे ही घर चलाना मुश्किल होता है। तो वो मेरी फीस कैसे भरते थे? कोई है। भाई प्लीज मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मैं अच्छे से मारूं, मत मारो मुझे, अच्छे से। ये कुमार का बेटा। आजा, आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। तेरे बाप ने 6 महीने पहले 60,000 रुपए उधार लिए थे, ना पैसे दिए ना ही इंटरेस्ट, और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। इसीलिए मैं तुझे किडनैप करके उससे अपने पैसे वसूल करूंगा। सुनिए ना सर, मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे इतने पैसे उधार ले रखे हैं। मालूम नहीं था? जब यहाँ तेरी एक एक हड्डी तोड़ी जाएगी ना, तब तेरा बाप दौड़ते हुए आएगा मेरे पैसे लेकर। पक्की बात है, ये लिख ले। सर मेरे पापा कोई पैसे नहीं लाने वाले, वो तो पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहे हैं। कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा है? सर सर सर, आपने सोच ही लिया है मुझे मारने का, तो उससे पहले मुझे एक छोटी सी कहानी तो बताने दीजिए। जब तेरे बाप को पैसे चाहिए होते थे ना, तो वो भी ऐसी ही कहानियां बनाता था। सर सर सर, उन्होंने मेरी फीस भरने के लिए झूठ बोले होंगे, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। उनके फ्लैशबैक फिक्शनल थे, मेरे बायोपिक है। दरअसल तो ये सब हुआ है। ठीक है, तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। थैंक यू सर। अगर तूने मेरे पैसे टाइम पर नहीं दिए ना, तो तेरा बाप कॉलेज नहीं जाएगा और तू घर नहीं जाएगा। ठीक है सर। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? ये लो इनकी कॉलेज फीस की रिसीप्ट। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप जा नहीं सकते। ये सब महीने के खर्चे हैं जो आपको भरने, वाटर बिल, करंट बिल, बाइक की ईएमआई, गैस बिल, मेडिकल, केबल, दूध, और आखिर में ये रहा तुम्हारा इंटरनेट का बिल, सब भर देना। आपने मुझे क्या समझा है? मैंने बस आपकी कॉलेज की फीस भरने के लिए यहाँ कहा था, ये सब नहीं। बेटा, ये सब भरने के लिए अगर तुम्हारे पिता काम करने लगेंगे तो ये कॉलेज कब जाएंगे? अगर तुम बराबर से पढ़ लेते तो तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। तो अब क्या, मुझे घर खर्च भी संभालना होगा? बहुत हो गया। एग्जैक्टली, तुम कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, ये मेरी समस्या नहीं है। आग में भी कूदना पड़े तो कूद जाओ, पर ये सब भर देना। ओ नो, कल से तो मेरा कॉलेज है। तुम कौन हो? अरे मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे बीकॉम क्लास में जाना है। इसी तरफ अंकल, आइए मैं ले चलता हूं। ए जूनियर। हैं? अंकल। वो आपको रैगिंग के लिए बुला रहा है। बेटा, मुझे देखना है कि रैगिंग कैसे होती है। तुम क्लास में जाओ, मैं रैगिंग के बाद आता हूं। अंकल। गुड मॉर्निंग सर।
रिटायर होने की उम्र में यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? सुपर। पता नहीं बेटा, ज्यादा बोल रहा है। अंकल, जब आप इंटरमीडिएट में थे तब पता है हम कहाँ थे? पूर्व जन्म में। वो सब छोड़ो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर यार, नहीं, जब बेसिक से क्लियर नहीं है तुमको तो कॉलेज में आकर के क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, जाओ क्लास में जाओ। मुझे एक छोटा सा डाउट था। डाउट? कैसा डाउट? अच्छा पूछो। अगर आप 10 रुपए की एक कप कॉफी रोज पीते हैं कैंटीन से, और आप जनवरी में आपने अकाउंट खोला है, तो 2 महीने के बाद आपको कितने पैसे देने होंगे? 2 महीने के 60 दिन हुए, टोटल पैसे 600। नहीं, सिर्फ 470 हुए। वो कैसे? वो कैसे? मैं बताता हूँ। फरवरी में होते हैं 28 दिन, दोनों महीने मिलाकर देखा जाए तो 8 संडेज होते हैं, 3 दिन संक्रांति की छुट्टी, तो हुए बस 470। ये जीवन के बेसिक्स हैं, ये हमें याद रखने चाहिए। क्या फायदा है ए प्लस बी याद रखने का, जो कभी जीवन में इस्तेमाल ही नहीं करोगे, हैं? सर, हाँ? आपके हिसाब से 480 होने चाहिए। मेरे प्यारे बेटे, जनवरी 1 को कॉलेज कौन आता है? गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर कुमार, आप आ गए। कम इन सर, प्लीज। सबको नमस्कार। नमस्कार। इलेक्शंस के लिए कैंपेन कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैं साथ ही स्टूडेंट्स का आदर कर रहा हूँ सर, और मेरे टीचर को भी नमन। जाइए। पीछे जाओ। सॉरी। थैंक यू। टुडेज लेसन इज कमोडिटीज। कमोडिटी? ये कोई टी या कॉफी नहीं है। बेसिक्स जाने बिना आप यहाँ आ भी कैसे गए? मैं चाहे जो भी पूछ लूं आप फिर से यही जवाब देंगे। आपको कुछ पता भी है? सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो अब आपको मेरा ज्ञान जानना है। ठीक है, पूछो। एक गरीब आदमी पैसे कमाने के लिए ये करता है, और एक अमीर आदमी इसे करने के लिए पैसे खर्च करता है, ये क्या है? गरीब इसी से कमाता है, अमीर इसी पर खर्च करता है, ये क्या चीज है? इसका इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है? सर, ये तो जनरल नॉलेज है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना ही होगा। सर, कुमार सर, आप इसका आंसर बताइए ना। वो चीज जिससे गरीब कमाता है और अमीर जिस पर खर्च करता है, वो है वजन उठाना। गरीब के लिए वो मजदूरी है और अमीर के लिए एक्सरसाइज। पहले ही दिन अकल लड़ानी है, तुमसे तो बचकर रहना होगा। टुडेज क्लास इज ओवर। सर, थैंक यू, अच्छा आंसर था आपका। सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अंकल, आपका पहला दिन कैसा था? कैसे लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर, क्या तकलीफ है इसकी? एक डाउट पूछने पर चिढ़ क्यों गया? क्या डाउट होना गलत है क्या? सारे लेक्चरर्स ऐसे ही हैं, आप चिंता मत कीजिए। और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए एक बीए पास ग्रुप है। तो क्या इसकी भी कोई फीस है क्या? नहीं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है अंकल, आप यहाँ जिसको चाहें उसको मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई ना कोई जवाब तो जरूर देगा। और आप आसानी से दोस्त भी बना सकते हैं। लाइए अपना फोन दीजिए, मैं अपना नंबर आपके फोन में सेव कर देती हूँ और आपको ऐड भी कर दूंगी। सच में बहुत बढ़िया। मैसेज करना भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में थोड़ी देर में ऐड कर दूंगी, फिर आप किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड। तो मैं डाउट्स पूछ सकता हूँ? सब कुछ। कब तक पूछ सकता हूँ? कोई ऐसा फिक्स टाइम तो नहीं? रात को ही पूछ सकता हूँ? हाँ, कोई बात। लड़कियों से भी पूछ सकता हूँ? हाँ, किसी को भी। किसी से भी पूछ सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, ये टमाटर और ये भी। मेरी बाइक कहाँ पर है? वो बाइक तो तुम्हारे कॉलेज टाइम पर पहुँचने के लिए थी ना, और अब कॉलेज जा कौन रहा है? पापा। और क्या, तो वही ले गए ना। पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे। और माँ, ये लिस्ट इतनी बड़ी क्यों है, खत्म ही नहीं होती? पापा के साथ तो ऐसा नहीं था। बैठे बिठाए खाना नहीं मिलता, मार्केट जाओ और सामान लेकर आओ, पता चलेगा तुम्हें आटे दाल का भाव। हाँ,
स्टैंड अप। ये कैंटीन है क्या या क्लासरूम है? क्लासरूम। तो ये क्या है? अगर मैं वक्त पर नहीं खाऊंगा तो मुझे शिवरिंग होने लगती है और फिर मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। दिस इज द लास्ट वार्निंग, रिपीट मत करना, समझ गए? खुशबू अच्छी है, क्या है ये? पुलाव। कल आते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आओगे क्या? शट अप। इतने परेशान क्यों लग रहे हो शिवा? मैं जब पढ़ रहा था तो कोई टेंशन नहीं होती थी, पर जब से पापा ने कॉलेज शुरू किया है तब से टेंशन ही टेंशन। ये भी कोई बात है? दूध, पेपर बिल, करंट बिल, वाटर बिल, सब्जी, भाजी, कपड़े, डिओड्रेंट, डिटर्जेंट, इन सब के पैसे देने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाप रे, ये तो बहुत है। और ऊपर से कॉलेज फीस भी। काश कोई कॉलेज फीस के लिए भी उधार देता। ये अपना कॉलेज कैंटीन है जो कोई उधार देगा? हे, क्या कहा तुमने? ये अपना कैंटीन थोड़ी है जो तुम्हें उधार देगा। अबे गधे, तुझे पता है ना कैंटीन बंद हो चुका है, अब तू मुझे दोबारा खोलने को क्यों बोल रहा है? एक भी लड़के ने वक्त पर पैसे नहीं दिए, सबने उधार लेकर मेरे कैंटीन को डुबा दिया है। उसमें से एक लड़के का सबसे ज्यादा बैलेंस था, अगर वो मुझे मिल गया ना मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। चल फोन रख। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या है, मेरा पैसा देने आया? क्या है बोलना। एक्चुअली अभी आप जिसके टुकड़े करने की बात कर रहे थे ना, वो लड़का मैं ही हूँ। कैसे हुई? एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि मैं आपकी कैंटीन चलाना चाहता हूँ। क्या कहा, मजाक चल रहा है ये? एक तो मेरा कैंटीन डुबा दिया तूने और अब तू चाह रहा है कि वही कैंटीन तू चलाएगा? सर मैं तब एक स्टूडेंट था इसलिए उधार था, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। मैं बहुत अच्छे से चलाऊंगा और मैं किसी भी स्टूडेंट को कोई उधार नहीं दूंगा, आपकी कसम पक्का। प्लीज सर सोचिए जरा प्लीज। दिल छू लिया तूने मेरा, मुझे भी एक बार ऐसे ही निकाला गया था। क्या कॉलेज से? तब मैं थर्ड क्लास में था, जैसे ही तूने कहा कि तुझे निकाला गया था उसी पल मेरी तरह तेरी कामयाबी का सफर शुरू हो गया। थैंक यू सर। जा मेरा कैंटीन अब से तू चलाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी सॉरी सॉरी। एक बात, किसी भी स्टूडेंट को उधार नहीं देना। हाँ जा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। माँ लाओ तो। तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए। रुको जरा, बादाम मिल्क मेरे लिए और कॉफी उनके लिए होती थी ना, आप भूल गई क्या? तब तुम पढ़ाई करते थे ना, अब स्टूडेंट तो वो है ना, तो ये बादाम मिल्क उनके लिए है। माँ तुम्हें पता है ना मुझे कितनी टेंशन है अभी, कॉलेज फीस, बिल्स, मेडिकल, EMI और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी है। हा? पता है कितना मुश्किल है? वो तुम ही थे ना जिसने कहा था पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, घर के लिए कमाना आसान है। चलो अभी आते। बादाम मिल्क पीने से वो कोई जवान नहीं हो जाएंगे, बता देना। मुझे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। तुमने तो अभी कॉलेज ज्वाइन किया है ना, और अभी से इतनी इतनी देर फोन पर बातें। मैंने बच्चों का ग्रुप ज्वाइन किया है। कैसा ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप। उन्होंने अभी तक एक भी डाउट समझाया नहीं है, बस सारे ऊट पटांग के जोक्स भेज रहे हैं। पर आप इस वक्त फोन पर क्यों हैं? जानकी हमारे उम्र में फर्क की वजह से मैं क्लास में बोर और अकेला महसूस करता हूँ, पर इस ग्रुप की वजह से शाम तक सारे बच्चे मेरे दोस्त बन गए। अब देखो मैं हूँ बिजी बिजी बिजी। बताइए मैडम क्या चाहिए आपको? इडली वड़ा, पूरी डोसा, प्लेन डोसा, मसाला डोसा, अनियन डोसा, घी डोसा, जीरा राइस, कर्ड राइस, प्लेन राइस, फ्राइड राइस, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? कुछ भी नहीं। तुम्हारे पिताजी खास मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज ला रहे हैं घर से, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। थैंक्स मैडम। अंकल क्या हुआ बेटा? हमें अब से बाहर एक बोर्ड लगाना है, आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। सर आप इस तरह रो क्यों रहे हैं, तीखा है क्या? अरे क्या हुआ सर, खाना अच्छा नहीं है क्या? हाँ। कुमार तुम बहुत किस्मत वाले हो, मेरी भी एक पत्नी है, उसने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। आप दोनों ही एक दूसरे को
कितनी अच्छी तरह समझते हो। एक पुरानी कहावत याद आ गई, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आज मैं ये खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कुमार। माँ। बेटा। अंदर आओ ना। हट हट सामने से हट। तू ये सब क्या कर रहा है? माँ 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 माँ। मैं इस कैंटीन को चला रहा हूँ, तो ये सब और कौन करेगा बताओ मुझे? मैंने सपना देखा था कि तू एक ऑफिसर बनेगा। तुझे ऐसे काम करते देख मुझे। माँ, आपको अब इसकी चिंता क्यों हो रही? क्या पापा को पियोन की नौकरी करते देख आपको दुख हुआ क्या? बताओ। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। देखो माँ, जब मैं यहाँ चाय पीता था तो उस कप को कोई और धोता था। वही काम मैं करूँ तो इसमें गलत क्या है? मतलब शुरू में थोड़ी मुझे भी शर्म आती थी, लेकिन अब इसकी आदत हो गई है, कोई बात नहीं। पता नहीं बेटा, पर तुम्हें ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता। अब आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप पापा की चिंता कीजिए, वो कॉलेज गए ना, वो आने वाले होंगे। हमारे चैलेंज में तो मैं जीतने वाला हूँ। मैं अब नाइट शिफ्ट भी शुरू करने वाला हूँ। तू भी? अरे चोटी वाली भावना, अरे सारे डाउट्स इकोनॉमिक्स में हैं। इसे पढ़ाने वाला इंसान बेकार है, वो पूरा सब्जेक्ट कवर ही नहीं करता। इसीलिए तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए पढ़ने के लिए यहाँ बुलाया। मुझे भूख लगी है। मैंने बर्गर ऑर्डर किया है, आता ही होगा। तब तक तुम ये कॉफी पियो, ये लो। ला दो। सॉरी सॉरी सॉरी। जल गया जल गया। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? सुकी। कुमार, तुम हो? हाँ मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते, थैंक यू। पापा, ये सब क्या था? ये कुछ नहीं था, मुझे सब्जेक्ट्स में कुछ डाउट थे। अब क्लियर हो गए? रुको, मैं माँ को बताता हूँ। अरे देखो बेटा, ये वैसा डाउट नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, वो वैसा नहीं है। हेलो। हेलो माँ। हाँ बेटा। आपके प्यारे पति मिस्टर शशि कुमार बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, कहाँ पर? वो भाव भावना मैडम के घर पर बिना शर्ट के, दुनिया की परवाह किए बिना बस पढ़ रहे हैं। अच्छा रुको, तुम्हारे पिता कॉल कर रहे हैं। माँ उठाना मत, काट दिया। हेलो जानकी। हाँ बोलो। उसने एक चीज देखी और गलत समझ लिया और तुम्हें कुछ और ही बता दिया। मुझे तो तभी शक हो जाना चाहिए था जब फोन पर लगे रहते थे। प्लीज मेरा यकीन करो, वो सच में डाउट्स थे मेरे। तो अब डाउट्स नहीं रहे? नहीं, डाउट्स अब भी हैं। अब मुझे तुम पर डाउट्स हो रहे हैं। अरे कमीने, तू मेरी शादी तोड़वा रहा है। क्यों बोल रहे हो? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ। वो सब छोड़िए। हाँ। अगर स्पेशल क्लास लेकर डाउट्स ही पूछने थे तो उसके अलावा आपको कोई और टीचर नहीं मिली क्या? नहीं जाना, ऐसा नहीं है। अगर अब भी डाउट्स बाकी हैं तो सुबह के लिए रखिए, जल्दी से जल्दी घर वापस आइए। सुनो जानकी। हाँ, और बताओ। ये लड़की बार बार अपने ईयरफोन्स में और क्यों बोल रही है, ये सब क्या है? ये तो बस और पर अटकी हुई है सर, और वो बंदा इसके चक्कर में कर्नाटक श्रीलंका सब जगह घूम रहा है। और बताओ क्या नया है? ये सब बच्चे अपने फोन्स पर क्यों लगे हैं? यहाँ की नहीं, क्लासरूम की भी यही कहानी है सर। बहुत हुआ, कुछ करना पड़ेगा। हाँ। चलो जानकी, मुझे अब इस कॉलेज में नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है मुझे। अरे नहीं, क्या हुआ? आज से कॉलेज में सारे सेलफोन्स बैन कर दिए गए हैं। अरे पर कॉलेज के ये रूल्स हैं तो हमें मानने पड़ेंगे ना। ये नहीं हो सकता, कल कॉलेज में एक पेरेंट मीटिंग है, अपने बेटे को यहाँ से भेज देना। अब, 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 कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं रख रहा हूँ फोन। इस जनरेशन के लिए सेलफोन्स एक बीमारी बन चुके हैं,
इसलिए इस कॉलेज में सेल फोन बैन कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। हम यहाँ आए हैं ये डिस्कस करने कि क्या कैंपस के अंदर सेल फोन जरूरी हैं। थैंक गॉड। बेटा तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, जाओ वहाँ खड़े रहो। सुनिए ना, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं अपने पापा की फीस भर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। क्या है इसमें पूछना क्या है सर, बैन कर दीजिए। ये सेल फोन्स बच्चों को पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो स्क्रीन से चिपके हुए रहते हैं, वो क्लास के वक्त भी ऑनलाइन रहते हैं। हमारे जमाने में लड़कियां सर ऊंचा करने पर भी डरती थी, पर अब छोटे कपड़ों में वीडियोस बना रही हैं और उन्हें सोशल मीडिया पे डाल रही हैं पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, और अगर उन पर लाइक्स कमेंट्स ना आए तो उन्हें बुरा लगता है, ये उनकी जिंदगी बन गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इन्हें लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये लोग सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं। सारा समय ये लोग इंटरनेट पे बर्बाद करते हैं, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये गलत है। लोग फोन्स पर सिर्फ पॉर्न ही नहीं देखते, यहाँ एक अलग दुनिया भी है। इस दुनिया में हर चीज का एक रेफरेंस पॉइंट होता है सर, पॉर्न तो बस एक रेफरेंस पॉइंट है सेक्स का। पेरेंट्स हमें ये सब कभी नहीं सिखाते, ये सब हम खुद सीखते हैं। सर मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर सब ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि उन्होंने पॉर्न कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं? ये सब उसे देखने के बाद ठीक है, तो इन्हें क्यों लगता है कि हम ये वीडियोस देखकर खराब हो जाएंगे? वो अंकल बोल रहे थे कि ये लोग क्लास के वक्त भी हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं मोबाइल पर। उस दिन जब एक बच्चे को तुरंत खून की जरूरत थी तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज की वजह से हमारे स्टूडेंट्स क्लास बंक करके खून देने गए थे ना, और वो बच्चा कोई और नहीं, हमारे लेक्चरर सुरेश सर का बेटा है। आपको पता है कि बाहर के जो हालात हैं, बच्चा जब तक घर ना पहुंच जाए माँ बाप को कितनी फिक्र होती है, खासकर से लड़कियों की। माँ बाप को हमेशा उनकी सेफ्टी की ही फिक्र रहती है। तो सेलफोन एक जरूरत नहीं हुई क्या? इन्हें अभी बोल दीजिए कि नहीं है। टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं होती सर, उसे इस्तेमाल करने वाले गलत हो सकते हैं। वो कितना यूज कर रहे हैं उस पर लिमिट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरी तरह से बैन कर देना गलत होगा सर। मुझे जो सही लगा मैंने वो बोल दिया, अगर कुछ गलत बोला हो तो सर मुझे माफ कर दीजिएगा, दिल से माफी मांगता हूँ। ठीक है, जरूरत से ज्यादा कोई अच्छी चीज भी जहर बन जाती है। मैं भी कभी एक स्टूडेंट था और इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये पक्का करो कि तुम अपने लिमिट्स में रहो। योर लाइफ इज नॉट इन योर सेल फोन। ओके, नाउ आई डिक्लेयर दैट देयर इज नो बैन ऑन द मोबाइल फोन्स इन दिस कॉलेज। एग्जाम बहुत टफ था। टफ बिल्कुल नहीं। मिस्टर कुमार। सर नमस्कार सर। देख लो पहले कोई देख तो नहीं रहा है, इतना छुपाना क्यों है सर? मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। हाय अंकल, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर? क्या बात है अंकल? क्या हुआ अंकल? क्या हुआ अंकल बताइए ना। मैं इकोनॉमिक्स एग्जाम में फेल हो गया हूँ, सिर्फ एक मार्क से। ये कैसे हो सकता है, आपने तो कितनी पढ़ाई की थी फिर फेल कैसे? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर तुम्हारे आंटी की बढ़िया खाने की वजह से वो पतले आदमी ने मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास कर दिया। बात ये नहीं अंकल, हमारे बीच आप कुछ अलग से दिखते हैं ना, शायद इसलिए आप इतने डल दिखने लगे हो यहाँ पर। क्या? अच्छा ये बताइए कैसा लगेगा अगर क्रिकेटर्स चड्डी बनियान पहने तो? उन्हें चोट लग जाएगी। बताइए तो कैसा रहेगा अगर लॉयर्स कोर्ट में जीन्स वगैरह पहन के निकल जाए तो? बिल्कुल बेढंगा। उसी तरह हमारे जैसा बनने के लिए आपके कपड़े, अंदाज और एनर्जी पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए मेरे साथ। चलिए अंकल। बिल मेरे खाते में लिख लो। अब ऐसा नहीं चलेगा, अभी दो। मैं यहाँ पूरे साल हूँ, बाद में दे दूंगा, जा रहे। तू मुझे खुद की याद दिलाता है यार। क्या? अगर तूने अभी पैसे नहीं दिए तो तेरा फोटो नोटिस बोर्ड पर लगा दूंगा। जा लगा दे। मैं फेसबुक पर फोटो अपलोड करूंगा और तेरी गर्लफ्रेंड को भी टैग करूंगा। भाई प्लीज मैं भरता हूँ। आया ना लाइन पे। बैलेंस। तू यहाँ है ना एक और साल, चिंता क्यों कर रहा है? ये एडवांस है पगले। अरे 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 ये पैंट किस खुशी में फाड़ रहे हैं आप? अरे बुद्धू क्या, ये लेटेस्ट फैशन है। पैंट में जितने ज्यादा छेद होंगे मतलब उतनी ज्यादा फैशनेबल है। हे भगवान, मुझे लगा था पढ़ाई करके मिसाल बनोगे और आप तो ये सब कर रहे हैं। तुम मुझे क्या समझती हो, मैं अब जवान लड़कों के साथ बराबरी कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें देखकर मुझे एक आइडिया आया है। फटी साड़ी के बारे में क्या ख्याल है? ये क्या बकवास है? पगली कहीं की। अंकल चावल तैयार हुए क्या? कल कॉलेज में एक इवेंट है, जो भी लगेगा मैं वो सब ले आया हूँ।
क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? तुम्हारे पिता घर से कोई स्पेशल टेस्टी डिश बना कर लेकर आए हैं। कॉलेज के आधे लोग वही डिश खा रहे हैं। देखो उन्हें, सुबह से बस एक ही कॉफी पिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। किसका फोन है? हेलो। हेलो माँ। हेलो माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, क्या मेरी रोजी रोटी छीनना सही बात है क्या? बताओ मुझे। अब क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? आपने पापा के डब्बे में जो स्पेशल आइटम भेजा था, वो उसे जैसे अखबार बांटते ना, वैसे ही सब में बांट रहे हैं। कोई भी कैंटीन नहीं आ रहा है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। मुझे लगा वो अपने दोस्तों के लिए एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता था वो सब में बांटने वाले हैं। बेटा, क्या मेरा खाना इतना टेस्टी है? माँ, अरे हिट क्या सुपर हिट हुआ है। आप मुझे वो डिश सिखाइए जिससे कैंटीन लोगों से पूरी तरह से भर जाए। ये बात है तो मैं अभी आ जाती हूँ तुरंत। हाय। मैंने अभी अकाउंट्स के प्रोफेसर से बात की है। आपने बहुत इम्प्रूव किया है। उन्हें तो ये भी लगता है कि आप इस बार क्लास टॉप करोगे। अरे इतनी मजाक मत उड़ाओ, तुम यंगस्टर्स काफी चालाक होते हो। मैं कहाँ तुमसे मुकाबला कर सकता हूँ। ओहो, चिंता मत कीजिए अंकल, आप हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट हो। मैं तो तुम लोगों के आसपास भी नहीं। अरे अंकल, पर आप अच्छा कर रहे हो। हाँ, बस किसी तरह से हो जाता है। हाँ, देखते हैं। ए सफाई वाले, इधर आ। सर, स्मोकिंग नॉट अलाउड सर। दिख रहा टेबल कितना गंदा है, सफाई करना नहीं आता? पढ़ाई तो तुझसे हुई नहीं, कम से कम ये तो ढंग से कर ले। चल चाय लेके आ। ठीक है सर। अरे भाई, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? रुक जा, अभी बोलेगा ये। Hey, तुम लोगों ने सुना क्या? बेटा बाप की तरह पियोनगिरी कर रहा है और बाप बेटे की तरह रोमांस कर रहा है। क्या कॉम्बिनेशन है, है, है भाई। अपनी उम्र की तरह बर्ताव क्यों नहीं करता ये? स्टूडेंट्स हैं, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन इस लड़की के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। मेरे और इस लड़की के बीच रिश्ता एक बाप और बेटी का है, तुम जैसे गधे नहीं समझेंगे। अंकल, क्या क्या हुआ अब? मैंने अभी बस कपड़े पतले हैं ये, मेरा रवैया बदलने की कोशिश मत करना, समझे? ये लीजिए सर, लीजिए। अब आप खा सकते हैं। कमाल का है ये। बैठो बैठो। कोई बात नहीं सर। अरे बैठो बेटा। तुम्हें एक बात बतानी थी, मैंने दो नए कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, वो दोनों भी तुम्हारे। ठीक जी है सर, थैंक यू सर। खूब मेहनत करो और सब कैंटीन को बड़ा बनाओ, समझ गए? जी। ठीक है। हाँ। बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा ही टेस्ट आए। हाँ बिल्कुल सर। अरे बाप रे, आपको इतनी सारी किताबें पढ़नी है? तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सका तो, अगर मैं फेल हो गया तो? अरे रे, ऐसा मत बोलिए। मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, अब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब वो 3 कैंटीन्स का मालिक है। मैं उसे समझाऊंगी कि अपने अहंकार को जाने दे। नहीं जानकी, जब भी डर हमें रोकता है, हमारी मंजिल और दूर होती चली जाती है। अगर मैं हार गया तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसा हर बाप हार जाएगा। वो अपने बिजनेस में अच्छा कर रहा है, उसी तरह मुझे भी मेहनत करके सफल होना है, और मैं होऊंगा, जरूर होऊंगा। हाँ।
चलो बचपन की उम्र में कॉलेज चले। एक बूढ़े ने रिटायर होने की उम्र में कॉलेज ज्वाइन कर लिया। वो अपने उम्र के बारे में कुछ बताते नहीं है। मिस्टर शशि कुमार इस उम्र में डिग्री हासिल कर रहे हैं, यही सब बोल रहे हैं पूरे शहर में। हाल ही में उनका एक वीडियो यूट्यूब पे बहुत मशहूर हो रहा है, आइए उनका ये वीडियो देखें। ए, ए, अरे तुम वहाँ किचन में क्या कर रही हो बुद्धू? अरे तुम्हारा पति टीवी पर आ रहा है, और मेरे साथ इंटरव्यू देखो, जल्दी आओ, आओ बैठो यहाँ देखो। बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। अरे आओ आओ बैठो इधर, ये देखो। बस अब खूब मेहनत करनी है और कामयाब होकर दिखाना है। बस देखते रहिएगा, अंकल इस साल टॉप करेंगे और उसके बाद वो अपनी उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। अगर तुम्हारे अंदर चाहत हो तो कितनी भी मुश्किल हो तुम पढ़ सकते हो, चाहे जो भी उम्र हो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। मिस्टर शशि कुमार के लिए भी शुरू में बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने पर्सनली उनको सिखाया। मिस्टर शशि कुमार बहुत अच्छे पिता हैं, पर दूसरी तरफ उनका बेटा नालायक और आवारा है। शशि कुमार ने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए कॉलेज ज्वाइन किया है, बिल्कुल निकम्मा है वो। इस जैसे लड़के की तो मैं कहता हूँ ऐसी ही बेइज्जती होनी चाहिए। अब अगर उसके बाप ने एग्जाम पास कर लिया तो उसकी और बड़ी बेइज्जती होगी। फाइनली उसका बाप तो हीरो है, लेकिन ये लड़का बिल्कुल जीरो है। भगवान भी कभी कभी बेरहम हो जाता है, अच्छे परिवारों में ही नालायक बच्चे पैदा होते हैं। ये सब मेरी गलती है जानकी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं शर्त जीतने के चक्कर में मैं ये नहीं सोच पाया कि मेरे बेटे की कितनी बेइज्जती हो रही है। जी जी ऐसा मत बोलिए आप, ये लड़का जो बोल रहा है गुस्से में बोल रहा है। नहीं, काश मेरे कॉलेज जाने के बारे में किसी को पता नहीं चल पाता तो आज ये नहीं होता। अब देखो ये क्या हो गया। जब कुमार 4 साल का था, जब हम दोनों का साइकिल से एक्सीडेंट हुआ, मेरी गलती से उसे बहुत तकलीफ पहुंची और मैं अगले 3 दिन तक सो नहीं पाया था, और आज भी उसको मेरी वजह से बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मैं और नहीं सहन कर सकता। नहीं, मैं और सहन नहीं कर सकता। अरे नहीं, इस बात का बुरा मत मानिए। नहीं जानकी, एक बाप की सफलता से बेटे को प्रेरणा मिलनी चाहिए, बेइज्जती नहीं। ऐसी सफलता जीत नहीं होती, नहीं चाहिए ऐसी सफलता, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कोई है? आपका बीपी हाई है, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। बताइए आपको क्या कुछ परेशान कर रहा है, आप मुझे बता सकते हैं? ये पढ़ रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉलेज। ओ, तो आप वो शशि कुमार हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, सुना है कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो फिर अपने मन की चीज करते हुए भी चिंता में क्यों है? आपने जिंदगी में बहुत दुख देखे होंगे, पढ़ाई उसके सामने कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको ठीक से खाना खाना होगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और परीक्षा में अच्छे से नंबर लाइए, और सबको बता दीजिए कि इस उम्र में भी पढ़ाई हो सकती है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूं, उनको रोज लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। जानकी, पढ़ाई के बारे में सोच सोच कर जब मैं इतना परेशान हो गया हूं, तो हमारा बच्चा भी, मैंने उस पर बचपन से कितना दबाव डाला है, कितना परेशान किया है, पढ़ाई में टॉप करना है, बड़ा ऑफिसर बनकर दिखाना है, मैंने उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई, कितना परेशान किया, ये सोचकर मैं अंदर से मरा जा रहा हूं। देखो फिर शुरू मत हो जाओ, पता है यही चिंता है। अब क्या हुआ है, हमारा बेटा जो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए चले। भाई देख, ये इंटरव्यू तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया है, अगर ये बुड्ढा एग्जाम पास कर लेगा तो ये तो हीरो बन जाएगा भाई। पहले ये एग्जाम तो दे, हीरो तो तब बनेगा। जानकी,
मैंने इतने दिन खूब मेहनत की है, मैं परीक्षा में पक्का पास हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं पास हुआ, मेरे बेटे का सब मजाक उड़ाएंगे। मैं ऐसी सफलता नहीं चाहता जिससे मेरी बेटी की बेइज्जती हो। अगर मैं यहां रहा तो तुम मुझे किसी ना किसी तरह मना लोगी परीक्षा देने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। दरअसल एग्जाम नहीं देना चाहते थे, इसलिए चिट्ठी छोड़कर चले गए। चिट्ठी? कब? बस अभी। उनका फोन भी स्विच ऑफ है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, तुरंत ही जा रहा हूँ। बाय। ठीक है। कहाँ जाना है? पता नहीं कहाँ जाना है। चलो चलो, इन्हें कहीं नहीं जाना, चलो। इधर आओ, यहाँ क्या कर रहे हो? सर, बस अड्डा शहर के बाहर जा रहा। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। तुम्हें पता नहीं कि कहाँ जाना है तुम्हें? बैग में क्या है? बस कपड़े हैं सर। ए, चेक करो। सर ये देखिए। ये क्या है? सर ये मेरे बैग में कैसे आया मुझे नहीं पता सर। ये ही सब हर कोई कहता है। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ सर। ये सब मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं। चल अब जीप में बैठ जा रहे हैं मुझे। सर सर मेरा गला खुश उड़ रही है सर। सर कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? ये क्या है? मैं कोई अपराधी नहीं हूँ सर। हथकड़ी क्यों पहना रहे हो सर? लेफ्ट चलो। काउंटर स्पॉट पे आ गए। नीचे उतर अभी। मुझे लगता है बेटा ये विक्रम के गुंडे हैं, मुझे मारने लाए हैं। बेटा ध्यान से। मुझे ये बताओ कि तुमने रास्ता क्यों बदला? हम लोग असली पुलिस वाले नहीं हैं। मुझे रोड पर खतरा लगा तो हम शॉर्टकट रास्ता लेकर यहाँ पर आए हैं। मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई। क्या करूँ मैं बेवकूफ हूँ, चाबी दो मुझे। दो दो दो। पेमेंट सर। ए निकल यहाँ से। पापा मुझे नहीं पता था आप कहाँ हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा आपके पास पहुंचने के लिए, मुझे माफ करना। वैसे कहाँ जाने का प्लान था आपका? हाँ, एक दूसरे के अलावा कौन है हमारे पास? आपको पता है माँ को कितनी चिंता हो रही थी? ये सब कुछ क्यों किया आपने? विक्रम को टीवी पे सुन के बेटा, मुझे लगा मेरी सफलता तुम्हारी हार होगी, और मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता बेटे, इसीलिए मैं चला जाना चाहता था। आखिरकार आप सोच क्या रहे थे पापा? कितने बच्चों को अपने पापा का ख्याल रखने का मौका मिलता है। हम लोगों ने तो इस पढ़ने के खेल को एक चुनौती की तरह शुरू किया था ना पापा, लेकिन जितना खेला उतना समझा कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल रहे थे, हम तो एक दूसरे के लिए खेल रहे थे। मैं तो बस ईंटें इकट्ठी कर रहा हूँ, लेकिन घर तो आप ही को बनाना है। मैंने इकट्ठी कर ली है, घर बनाना आपके हाथ में है। बात यह है, अब या तो आप खेलें और हम दोनों जीतें, या फिर आप ना खेलें और हम दोनों हारेंगे, यह आपके ऊपर है पापा।
ये सब बातें बाद में करते हैं, मुझे परीक्षा के लिए देर हो रही है। मैं तो बस आपको गुड लक बोलने आई थी, आपकी परीक्षा अच्छे से होगी। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे भी जाना चाहिए। सुनिए, परीक्षा में अच्छा करना। अरे जल्दी आओ, टाइम निकल रहा है, जल्दी आओ। अरे ध्यान से, अरे जल्दी। अरे जाने दो मुझे जाने दो, पहले मेरा हॉल टिकट दो। पता है, इसलिए मैंने रख लिया था अपने पास। थैंक यू, एक पीएन ही दूसरे पीएन की मदद करता है। अरे बाप रे, मैं सबसे जरूरी चीज तो भूल ही गया। अरे ये लो पेन, तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छा करके आना। जाओ जाओ जल्दी, मैं बाद में मिलता हूं। जाओ भी। एक्सक्यूज मी मैडम, थैंक यू मैडम।